सभी को राम राम, जय श्री राम। मैं किशोर तिवारी और मैं लाइव आया हूँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल का काम चल रहा है और अपनी जान की सुरक्षा अपने हाथ में ही रखें। कोरोना भयानक रूप ले रहा है धीरे धीरे। कल आप लोगों ने देखा बनारस में 5000 से प्लस केसेस हो चुके हैं कोरोना के, और हम मानो सुधरने को तैयार नहीं है। हम आम आदमी अपनी जिंदगी को गंवाने के लिए तत्पर हैं। मास्क का प्रयोग न करना, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग न करना, तो आप अपने मौत को दावत न दें। पॉपुलेशन कंट्रोल चल रहा है, अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार भी उस कोरोना की आगोश में समा सकता है। तो मैं किशोर तिवारी एक समाज सेवी संगठन चलाता हूं। मैंने इस कोरोना को बड़ा करीब से देखा है। 24 मार्च से मैं सड़कों पर दौड़ रहा हूं 2020 से। मैंने इस कोरोना को समझा, मैंने इस कोरोना को जाना है। और आप लोग इस कोरोना को जो हल्के में ले रहे हैं, इसे हल्के में न लें, क्योंकि अब कोरोना जो है भारत में पैर फैला चुका है, बहुत लंबा पैर छलांग लगा चुका है। टेस्टिंग नहीं होने के कारण या केस धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन टेस्टिंग जिस दिन पूरे टेस्ट करा दिया जाए पूरे बनारस का या पूरे भारतवर्ष में, तो दुनिया में सबसे पहले नंबर पर कोरोना के मरीज ज्यादा से ज्यादा हमारे भारत में पाए जाएंगे। हमारे यहाँ टेस्ट में लापरवाही की जा रही है। नाक में जो सिम्टम्स निकालने के लिए जो डाला जाता है उससे सही तरीके से प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है, और किसी को निगेटिव किसी को पॉजिटिव रिपोर्ट बताकर उसे क्वारंटाइन करा दिया जा रहा है। तो मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मैं तो टाइफाइड से ग्रसित हूं, टाइफाइड से बुखार से टूट चुका हूं। काफी ज्यादा टाइफाइड हो गया था मुझे और 103 डिग्री तक मुझे फीवर है, बुखार है। अभी मैं 40% कह सकते हो कि मैं ठीक हो गया हूं, ठीक है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा, बार बार कहता हूं, मुझे आप लोग की बहुत चिंता होती है, बहुत फिक्र होती है, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत ही अतुलनीय हैं, आप लोग हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं। तो मैं यही कहूंगा कि घर से बाहर तभी निकलिए मेरे दोस्त जब कुछ जरूरत की चीज लानी हो, और निकलना है तो अकेले निकलिए मेरे दोस्त, झुंड बना के मत निकलिए। अभी ठीक नहीं चित्रंजन भैया, अभी ठीक नहीं भैया हो, अपन दुखवा तो लोग से कैसे कहें। हम झेल रहे हैं जो चीज ना, वो आप लोग कभी ना झेले। मैं यही भगवान से दुआ करता हूं कि जो चीज मैं झेल रहा हूं, मैं इतना पीड़ा में हूं, मैं इतना कष्ट में हूं, आप लोग ना झेलें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को पैर पड़कर निवेदन करता हूं मेरे भाइयों, कोरोना को हल्के में मत लीजिए। आप लोग कोरोना को हल्के में मत लीजिए, ठीक है, हल्के में मत लीजिए कोरोना को। जब काम हो तो घर से निकलिए, अन्यथा बिल्कुल मत निकलिए। भाई मुझे भी फीवर चालू हो गया है 2 दिन से। आनंद तिवारी जी, कोविड का टेस्ट करा लीजिए एक बार, कोविड टेस्ट जरूर करा लीजिए। फीवर हुआ है, गला सूख रहा है, खुशबू नहीं आ रही है और कोई चीज का महक नहीं आ रहा है, आप कोविड का टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। आइडियल वुमेन से अपना ध्यान दीजिए भाई, बिल्कुल दीदी। और हिमांशु जी, महादेव भैया, विनय प्रताप जी, जल्द स्वस्थ हो जाए तिवारी भैया आप। तो मैं आप लोगों से, देखिए गोड़ पे आप लोग के माथा पटक के मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्लीज मेरे अपने छोटे भाई, या मुझे अपना नौकर समझ लीजिए, या मुझे अपना दास समझ लीजिए, जो समझना है मुझे समझ लीजिए, लेकिन प्लीज आप लोग घर से बाहर बिना काम के न निकले। अगर निकलते भी हैं तो मास्क जरूर प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग जरूर करें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आप घबराए नहीं, निगेटिव खबरों की अभी मत होने दें, इससे आपको एंजाइटी होगा। अरे भैया वो कहीं सुनी बातों को भरोसा न करिए, पुनीतु मम्मन्नू जी, ये भारत है, ठीक है ना। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ना, आप देखिएगा अभी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, घर घर टेस्ट ना, उसके बाद देखिए कोरोना क्या विकराल रूप लेने वाला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को, मैं जिस चीज को भुक्त भोगी हूं, जिस चीज को भोग रहा हूं, जिस चीज का कष्ट काट रहा हूं, मैं वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं कि आप लोगों से मैं पैर पकड़ के कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, माथा पटक के कह रहा हूं, दो आंसू बहा के कह रहा हूं कि आप लोग प्लीज मेरे दोस्तों घर से बाहर तभी जाए
जब आप लोग को काम हो, जब आप लोग को काम हो, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करें और बचें। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर में आपके बूढ़े जवान को कोरोना कुछ कुछ नहीं कर रहा है, जवान को इम्यूनिटी पावर मजबूत है। सबसे ज्यादा घर में जो बूढ़े बुजुर्ग जिनको डायबिटीज है, जिनको विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे माँ बाप हो गए हैं, तो वैसे लोगों की हमें केयर करनी है कि हम बाहर जा रहे हैं, हम सेफ्टी के साथ नहीं जाएंगे तो सबसे ज्यादा घर में बूढ़े माँ बाप जो हमारे हैं उन्हें तकलीफ होगी। तो मैं इसलिए लाइव आया आप लोग के बीच अभी कि मैं तो टाइफाइड से ग्रसित हूँ, टाइफाइड मुझे काफी कमजोर कर चुका है, मैं टाइफाइड इतना कमजोर कर दिया है कि मैं अगर दो कदम चलता हूँ तो लगता है कि मैं जमीन पे गिर जाऊंगा, दो कदम चलता हूँ तो लगता है कि मैं जमीन पे गिर जाऊंगा। तो मेरे में चलने की थोड़ी भी शक्ति अभी नहीं है कि मैं चल सकूं, सोचिए मेरे में थोड़ी सी भी अभी शक्ति नहीं है कि मैं चल सकूं। तो मैं आप लोगों से भी नर्म निवेदन करता हूं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जान है तो जहान है, और इस पगले की बात सुन लीजिए आप लोग, एस किशोर तिवारी पगला की बात आप लोग सुन लीजिए। गेटवेल सुन भैया, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप मेरे भाई, महादेव की कृपा होगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इस पगले की बात आप लोग सुन लीजिए, किशोर तिवरिया की बात सुन लीजिए। किशोर तिवरिया झूठ नहीं बोलता है, आप लोगों को पता है ना, किशोर तिवरिया झूठ नहीं बोलता है, किशोर तिवरिया बहुत कुछ देखा है, इसीलिए किशोर तिवरिया अभी आप लोग को बता रहा है, ठीक है, रख दो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, कभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है मेरे दोस्त, अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बारंबार विनती कर रहा हूं, बारंबार विनती कर रहा हूं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें, समझ रहे हैं? अगर आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आपको कोई सुरक्षित रखने नहीं आएगा। और मैंने गीत बनाया था ना कि कोरोना 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 सब रो रहे हैं सुनो ना, अस्पताल में कोई पड़ा है, कोई शमशान में भी पड़ा है। तो करोना 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 सब रो रहे हैं सुनो ना, ठीक है। तो भैया हो आप लोग हमारे बतिया सुन ही लोगन, अब भैया आप लोग जितना ज्यादा, देखिए मैं बहुत टूट गया हूँ इन 10 दिनों से, मैं टूट गया हूँ, ताकत नहीं बची मेरे अंदर, मुझे 10 कदम चलने के लिए कह दीजिएगा आप लोग ना, लगता है कि मैं गिर के फीट मार देगा मुझे, इतनी कमजोरी हो गई है, सिर्फ टाइफाइड हुआ है, कोरोना तो छोड़ दीजिए, इतनी ज्यादा कमजोरी हो गई कि मुझे कोई कह दे किशोर भाई चलो 5 मिनट कहीं से टहला ले आऊं आपको, नहीं कंडीशन है मेरी कि आप मुझे 5 मिनट भी टहला कर कहीं से लेके चले आओ, नहीं हिम्मत। आप कहाँ हैं? घर या घर ही हैं? घर है भैया, आप हौसला रखे सब ठीक होगा, ठीक है ना। मैंने बहुत झेला मेरे भाई, मैं बहुत झेला है, बहुत लोगों को हॉस्पिटल गया था, देखा भी मेरे भाई, बहुत लोगों को देखा, दर्दनाक स्थिति देखा है मैंने, बनारस में मैंने देखा है अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं घबरा गया हूँ और आप लोगों से मैं बता रहा हूँ कि प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाई, अगर मुझे आप गाली भी देना है दीजिए, लेकिन मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा, घर से बाहर तभी निकलिए जब आप लोग को थोड़ा काम हो, ऐसे घर के बाहर मत निकलिए, और निकलते भी हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करो मेरे भाई, क्योंकि जिंदगी जान है तो जहान है। पिछले 2020 के कोरोना से भयंकर कोरोना स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, तो महादेव जल्दी आपको स्वस्थ करे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं मित्रों कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना इस छोट भाई के बात जरूर सुनिए, किशोर तिवारी के, किशोर तिवरिया कहा कहा था, किशोर तिवरिया बड़ा कमजोर हो गई बा, हो बुझाता ना, बड़ी कमजोरी हो गई बा, अभी टाइम लगी हमारा ठीक होके में, काफी टाइम लगी, जनबे कर लोग की टाइफाइड के बुखार कम से कम 20 से 21 दिन रहेला, 20 से 21 दिन बुखार रहता है, तभी मुझे ठीक होने में कम से कम
15 दिन लग सकते हैं। अपना ख्याल रखें, हौसला बनाए रखें। बंद कर दीजिए उसको, कूलर को बंद कर दीजिए। देखो गीला उधर। तो आप लोग भैया हो, आप लोगों से आपका कहा हो, प्लीज ध्यान रखो। वरुण गुप्ता जी बिल्कुल भैया ध्यान रख रहे हैं, और आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग भैया मेरी बातों को अवॉइड मत करिएगा, मेरी बातों को सुनिए, समझिए, क्योंकि मैंने बहुत करीब से चीजों को देखा है, समझा है, तभी मैं आप लोग के बीच लाइव आया कि अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को, अपने बड़ों को समझा सकूं, बता सकूं कि भाई अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया हूं। और क्या हुआ बड़े भाई? मुझे टाइफाइड है और कम से कम अभी 21 दिन रहेगा, और अभी तो 10 दिन भी नहीं हुआ है मुझे, 10 दिन नहीं हुआ है। अब जल्दी स्वस्थ हो जाए। हर हर महादेव। मैं सोच आपको महादेव आपको स्वस्थ रखेगा। और आप लोगों से मैं यही निहोरा करने आया हूँ, गैदरिंग बिल्कुल मत करिए, भीड़ भाड़ बिल्कुल इकट्ठा मत करिए। हर आदमी सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग करें, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें आप लोग। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, पैर पे गिर के आप लोग से मैं कह रहा हूँ, समझिए, कंडीशन को समझिए, सिचुएशन को समझिए। आपको अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो आपका पूरा परिवार पॉजिटिव हो जाएगा, आपके घर में बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर सब कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। तो प्लीज प्लीज आप लोग प्रिकॉशंस लीजिए, सेफ्टी का पालन करिए। देखिए कि हम लोगों ने कितना पालन किया। 2020 में हम लोगों ने दिन रात खाना बांटा सड़कों पर, अस्पतालों में, जिस अस्पताल में कोई जाता नहीं था उस अस्पताल में अभी भी खाना बट रहा है। महादेव जल्द स्वस्थ करे। मयंक गोयल जी, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जितने भी हमारी रोटी बैंक की टीम भी है, कि भैया आप लोग भी सचेत रहें, मास्क का प्रयोग करें। और कोरोना खतरनाक हो चुका है पहले से, क्योंकि ये नया स्ट्रेन है, कोरोना का ये नया स्ट्रेन है, और पुराना वाला स्ट्रेन नहीं है, ये नया स्ट्रेन है, अलग अलग। कौन सी अभी घर पे हूं मैं, ठीक है। तो आप लोगों से बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज छोटे भाई का बात जरूर मानिए, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है। आप अपना ख्याल रखें बड़े भाई, महादेव आपको जल्दी स्वस्थ करे। तो मैं इसीलिए आप लोगों के बीच लाइव आया कि आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। तो प्लीज प्लीज गाली देकर भी अगर मेरी बात आप लोग सुन सकते हैं तो गाली दे दीजिएगा मुझे। हौसला रखिए, आपको देखकर हम सबको हिम्मत आती है। हर हर महादेव। मुरारी पुदार जी, बहुत कष्ट होता है सर, बहुत दर्द होता है सर, जब इस तरह से चीजें होती है ना, तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो मैं आप लोगों से बार बार यही कह रहा हूं कि आप लोग प्लीज अपने परिवार का ध्यान रखें। घर से बाहर तभी निकले, बार बार ना निकले, एक ही बार सामान खरीद के चले आए और घर में रहें, सुरक्षित रहें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, काढ़ा पीते रहें और निरोग रहें आप लोग। मैं यही कहूंगा, यही कामना करता हूं कि आप लोग निरोग रहें, मेरी तरह बीमार ना पड़े। मिलना चाहता हूं, अभी नहीं मिलेंगे आप हमसे, अभी मिलने से हम किसी से भी मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि मिलने की भी नहीं है, क्योंकि बाहर के लोगों से मिलने पे हो सकता है संक्रमण आ जाए, इसीलिए अभी किसी से मिल नहीं रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी इस सिचुएशन में मिलना जुलना खतरों से खाली नहीं है, कि अब इस तरह से सब लोग मिलने आएंगे तो खतरा बढ़ सकता है मेरे लिए, ठीक है ना। तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब का कहना है कि 11 दिन बेड रेस्ट कीजिए घर पे, 11 दिन 15 दिन, अभी नहीं मिला यार इस टाइम तो एक 10-15 दिन और रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद मिलना जुलना कीजिए किसी से। अभी किसी से मिलना जुलना मत कीजिए, चुप्पी मार के रेस्ट करिए, ठीक है। उसके बाद 15 दिन के बाद मैं खुद आप लोगों से रूबरू होऊंगा, मिलूंगा, क्योंकि टाइफाइड का बुखार आप सभी को पता है कि 21 से 25 दिन तक रहता है। तो 21-25 दिन तक मैं किसी से नहीं मिलना चाह रहा हूं। हो सकता है कि वो बाहर से संक्रमण आ जाए हमारे पास, हम अकेले रूम में हैं अपने, तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, चाय नाश्ता पानी मिल जाता है, दो रोटी खा लेता हूं और चाय नहीं काढ़ा पी लेता हूं। तो बस इसीलिए मिलना जुलना भी बंद है भैया, आप भी सुरक्षित रहें, मैं भी सुरक्षित रहूं। तो लाइव सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया पे हम लोग मिलते रहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में तो आना जाना तो है नहीं, लाइव बनाना है, आप लोग हमसे मिल लेते हैं, हम आप लोग से आप लोग की दिल की बात जान लेते हैं, आप लोग हमारी दिल की बात जान लेते हैं। तो जो भी चीजें हैं अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिलना जुलना हम लोग का बना रहेगा।
और हम लोग अपना अपडेट सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को देते रहेंगे और हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, ताकि हमारा भी जो खाली समय है, जो हम दिन भर सोए तो रह नहीं सकते हैं, दिन भर बेड पे पड़े पड़े भी ना बड़ा आलस आता है और चल फिर पा नहीं रहे, अभी चलने के लिए 10 कदम कहिएगा तो बेहोश हो जाऊंगा मैं, इतनी कमजोरी, इतनी ज्यादा कमजोरी। तो सबसे अच्छा है सोशल मीडिया कि मैं अगर रूम में भी सोया हूँ, आप लोग से कनेक्ट हो गया हूँ, आप लोग से बातचीत हो रही है और आप लोग भी कमेंट लिख रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। अल्लाह आपको जल्दी बीमारी दूर करे। अब कैसे है? अभी ठीक नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया हमारा, विवेक जी लिख रहे हैं गेट वेल सुन भैया, और यही इसीलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया एक हमारा फ्रेंड है जिससे हम आप लोग से जुड़ रहे हैं। आप लोग इतना कमेंट लिख रहे हैं तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग कमेंट लिख रहे हैं, आप लोग हालचाल ले रहे हैं, और आप लोगों को भी मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को भी मैं हाय हेलो नमस्कार कह रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि मैं घर में होते हुए भी आप लोग से कनेक्ट हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो इसीलिए हम लोग अभी 15 दिन तक सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक दूसरे से संवाद करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, और उसके बाद मिलना जुलना फिर शुरू होगा, क्योंकि कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से। और हमें तो टाइफाइड है, आपको पहले मैंने बताया था कि मैं टाइफाइड से ग्रसित हूँ। टाइफाइड और बुखार 103-104 डिग्री तक, 104 डिग्री बुखार होने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या शरीर पे इफेक्ट पड़ा होगा। 1000 mg का पैरासीटामोल चढ़ा, 1000 mg पैरासीटामोल 6-6 घंटा। जय श्री राम, राधे राधे कृष्णा, मनय कंचन जी टेक केयर, ओम गुप्ता जी जय श्री राम, भैया आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, जल्दी बाहर आएंगे भैया। सुनील कुमार जी, हर हर महादेव, गेट वेल सुन भैया जीत जी। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। आप लोग का प्यार है ना, आप लोग प्यार देते रहिए, और जब इंसान बीमार होता है तो उससे प्यार ही चाहिए। जब इंसान बीमार होता है तो अकेला हो जाता है इंसान, समझ गए ना। जैसे मैं अभी बीमार हुआ था तो मैं अकेला हो गया था, ठीक है। और अभी जब आप लोगों से गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, और आप लोग का कमेंट आता है, वो गरीब गुरबा कतार में आपका इंतजार कर रहे हैं, सबको खाना मिल रहा है भैया, खाना बन रहा है, रोली बट रहा है, खाना गेटवेल सुन भैया, करुण जी रब रखा, भाई जी रब रखा, खाना डेली बनता है भैया, गरीबों का पेट कभी खाली नहीं जाएगा, जब तक सांसें रहेंगी, जब तक सांसें रहेंगी कोई भी अपना प्रभुजन भूखा नहीं रहेगा। डंके की चोट पे कहता है किशोर तिवारी, कभी भी कुछ भी हो जाए, डंके की चोट पे कहता है किशोर तिवारी, कोई हमारा प्रभुजन भूखा नहीं रहेगा, कोई प्रभुजन भूखा नहीं रहेगा। जिस दिन रोटी बैंक बंद हो जाएगा ना, उस दिन मैं मर जाऊंगा, जिस दिन रोटी बैंक बंद होगा ना, उस दिन मेरी लास्ट डे होगा, लास्ट डे, उससे अंतिम दिन होगा। जिस दिन अगर आपको सुनने में आ गया कि रोटी बैंक आज खाना नहीं खिलाया लोगों को, उस दिन मेरी आखिरी दिन होगी, कोई भी प्रभुजन भूखा नहीं रहेगा, यह कमिटमेंट है हमारा, ये चलता रहेगा। परमानंद शुक्ला जी लिख रहे, क्या हुआ भाई, टाइफाइड हो गया, खाने के लिए साथ में आपका प्यार, ठीक है ना। तो रोटी बैंक कभी बंद नहीं होगा, हम रहे या ना रहे सेवा हमेशा रहेगा, ये हम रहे या ना रहे ये सेवा चलता रहेगा, ठीक है। क्या हो गया भाई, और सर आपसे जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्द से जल्द आप ठीक हो जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसीलिए आप लोगों से संवाद करने आया हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरी बहनों, मेरे अम्मा, मेरे दादी, मेरे दादाओं, आप लोगों से निवेदन है, घर से तभी निकले जब कुछ सामान खरीदना हो, और एक हफ्ते का सामान खरीद कर घर में रख लें, और अगर किसी को दिक्कत हो तो रोटी बैंक से भी संपर्क करें, हम लोग मदद करेंगे, जीते जी मरते मरते दम तक अपने देश की सेवा करने के लिए हमने कदम उठाया है, तो हम लोग कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होगी तो हम लोग खड़े रहेंगे। ये नहीं कि किशोर तिवारी बीमार हो गया है तो किशोर तिवारी किसी की मदद नहीं कर सकेगा, ऐसा नहीं है। अभी कभी मैं बीमार हूँ, किसी का भी फोन आ रहा है, उसकी पूरी तरह से मदद की जा रही है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे दवाई से हो, चाहे खाने से हो, चाहे किसी भी चीजों की जरूरत हो, उससे उसकी मदद की जा रही है। बस फर्क इतना है कि हम TRP के लिए काम नहीं करते हैं,
हम टीआरपी के लिए काम, फोटो खिंचवाने के लिए काम नहीं करते हैं कि हम किसी को पैसे से इतना मदद कर दिए, क्योंकि हमारा पैसा नहीं है, देश की जनता का पैसा है। इसलिए देश की जनता के पैसों से हम लोग मदद करते हैं। और रोटी बैंक हमेशा यही कहता है कि हम नहीं खिलाते हैं, देश की जनता खिलाती है। ठीक है, तो मुझे टाइफाइड है, 25 दिन कम से कम लगेगा ठीक होने में। मैंने कोरोना के बहुत पेशेंट देखे जिनकी हालात जो थे नाजुक थे, नाजुक। मैं देखकर डर गया कि कहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हो गया है। मैं डर गया मेरे दोस्त, मैं डर गया देखते, समझ गए। इसलिए मैं लाइव वीडियो लेकर आया हूं कि आप लोग प्लीज सचेत रहें, बहुत बहुत सचेत रहें आप लोग। ठीक है, मैं आप लोगों से यही कहने आया हूं कि हाँ, और जहां समाज में किसी को जरूरत है, आप 24 आवर किशोर तिवारी को कभी भी कॉल करिए। किशोर तिवारी हमेशा सेवा में हाजिर है, क्योंकि हम सेवादार हैं। हमारी जान चली जाएगी देश के लिए सेवा करते करते, लेकिन हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हमने जो प्रण लिया है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, तो हम करेंगे, मरते दम तक करेंगे हम लोग। और जहां तक जिसकी जो हेल्प होगी, जितनी हम लोग के पास चीजें होंगी, उससे हम लोग सबकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग, और कर रहे हैं। ठीक है, और पूरी जोर शोर से कोशिश करते हैं, क्योंकि देश की जनता का प्यार जो मिलता है ना, वो प्यार ही है ना, जीने की ताकत को बढ़ा देता है। तो मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा सोशल मीडिया पे लाइव, 2-3 दिनों में अपडेट आप लोगों को देता रहूंगा कि मेरा तबीयत कैसा है, मैं ठीक हूं नहीं ठीक हूं, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा, समझ रहे हैं। तो गेट वेल सून, ठीक है। तो मैं आप लोगों को हमेशा अपडेट देता रहूंगा कि मेरा स्वास्थ्य कैसा है। आनंद राय जी सादर प्रणाम। तो मैं आप लोगों को बीच बीच में एक दिन पे, 2 दिन पे अपने स्वास्थ्य का आप लोगों को लाइव वीडियो के माध्यम से, तो मैं तो चल तो फिर पाना ही रहा हूं, ठीक है ना। इधर भी मार देना भाई, ठीक है ना। तो अपडेट देता रहूंगा आप लोग को, और आप लोग से बस जुड़ने का एक मेरा काफी माध्यम ही है। आप लोग अभी मेरे से मिलने कोई भी मत आइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि बाहर के लोग आए। और प्रेम भाई शास्त्री जी नमस्कार। तो क्योंकि संक्रमण हर जगह फैला हुआ है, तो आप लोगों से मैं सोशल मीडिया पर ही कनेक्ट होता रहूंगा, अपना अपडेट देता रहूंगा कि मैं ठीक हूं। अभी मैं 40% ठीक हो चुका हूं, 40%, ठीक है ना, 40% मैं अभी ठीक हुआ हूं, 60% ठीक होना बाकी है। आप लोग प्रे कीजिए, दुआ करिए कि 60% मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, और फिर मैं बनारस की सड़कों पर हर हर महादेव के नारे के साथ जैसे मैं दौड़ता हूं कि बम बम बोल रहा है काशी, जागो भैया देश के वासी। मैं आप सभी का अपना होस्ट मित्र किशोर तिवारी, रोटी बैंक वाराणसी से लाइव, फिर दहाड़ने का मौका मुझे मिले। बस आप लोग दुआ कीजिए कि भैया जी प्रणाम, राजवीर वर्मा भाई। तो 15 दिन और, 14-15 दिन और फीवर जाने में लगेगा मुझे। दवाइयां बड़ी जोर शोर से चल रही है, खा रहा हूं। महादेव के पास आप जल्दी ठीक हो जाएंगे भैया। और आप लोग अपना सुरक्षा अपने हाथ में रखें, ठीक है, आप लोग सुरक्षित रहते हैं ना। और समाज में जब हमें सूचना मिलती है कि सब लोग स्वस्थ हैं अपने लोग, तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है। इसलिए मैं आप लोग की खैरियत चाहता हूं, आप लोग का खैरियत चाहता हूं कि कहीं से कोई दुखद समाचार मुझे ना मिले कि मैं दुखी हो जाऊं। तो मैं इसलिए अभी लाइव आया हूं कि काफी लोग परेशान थे, काफी लोग कह रहे थे किशोर भाई कहाँ है, किशोर भाई कहाँ है, कैसे है। तो मैंने कहा कि चलो भाई लाइव आके सब लोग का थोड़ा सा मन बहला दिया जाए कि मैं ठीक हूं और टाइफाइड से लड़ रहा हूं। बुखार काफी तेज आता है, बुखार आता है ना शरीर को तोड़ देता है, तो टाइफाइड है और कुछ, और दूसरा कोई बीमारी तो है नहीं, सारा जांच हो चुका है A to Z। और तो बस आप लोग निश्चिंत रहें, प्यार दें, दुआ दें, ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक होके सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दूं, आप लोग के साथ मिलना शुरू कर दूं, कि आप लोग से मिलूं, आप लोग मुझसे मिले। मैंने बहुत इन इतने दिनों में ना, जब मैं बीमार पड़ा, क्या हुआ आपको, टाइफाइड है हमें, तो मैं इतने दिन से बीमार पड़ा, तो मैंने काफी एक्सपीरियंस गेन किया, मैंने काफी चीजें देखा। अस्पताल में जब गया था, काफी चीजें मैंने देखा वहां, बड़ा दर्द हो रहा था, कोरोना के मरीज को कोई हाथ नहीं लगा रहा था, बेचारा वो बेड पे चिल्ला रहा था,
उसको कोई छू नहीं रहा था। भोले बाबा जल्द आपको ठीक करे, टेक केयर। पूजा गुप्ता गेटवेल सुन भाई और सोनो राठौर जी हर हर महादेव। तो कोरोना के मरीज ना ऐसे दुत्कार दिए जाते हैं ना, जैसे लगता है कि पप्पू यार इनको क्या हो गया बेटा, मुझे टाइफाइड हो गया है दीदी, टाइफाइड फीवर 104 डिग्री। ठीक है, भगवान आपको जल्दी स्वस्थ करे नीतीश तुलसियान जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का प्यार, आप लोग बस ब्लेसिंग दीजिए, मुझे फोन कर सकते हैं। बिल्कुल फोन कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फोन पे बात कर लेंगे, फोन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे लाइव हम आ सकते हैं। जल्द स्वस्थ हो जाइए आप, यही कामना ईश्वर से। नमिता सिंह दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो मैंने बहुत देखा यार, मैं नहीं जानता था कि इतना दुर्गति होने वाली है, मैंने बहुत देखा, समझ गए, मैंने देखा तो मेरा रूह कांप गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर डॉक्टर श्रवण पाटीदार जी, बाबा श्याम जी सब ठीक कर देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने देखा कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उससे कुछ छूता ही नहीं है, डर के मारे भाग जाता है लोग, वो बेचारा छटपटा रहा है, बच जाओ, उससे कोई बात करने वाला नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर किसी को कोरोना होता है तो उससे बातचीत करिए, उसको उसका मन लगाइए, उसको अकेले मत छोड़ दीजिए, तो घुट घुट के मर जाएगा। ठीक है, किसी को अगर कोरोना होता है तो उसके साथ संपर्क में रहिए, फोन पे रहिए, उसको आधा आधा घंटे का घंटा उसे बात करिए, तब वो अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेगा। ठीक है, अब जल्द स्वस्थ हो जाए, ऐसी बाबा विश्वनाथ की प्रार्थना है। रंजन सर गेट वेल सुन। तो आप लोग उसे छोड़कर मत भागिए, उससे बातचीत करें आप लोग। मैं देखा कि एक व्यक्ति को कोरोना था, उसके घर वाले उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसके घर वाले सगे बात नहीं कर रहे हैं। अरे यार दूर बैठ के बात करो उससे, हैं? उससे दूर बैठ के बात करने में कौन सा तुम्हें कोरोना हो जाए, घर वाले बात नहीं कर रहे हैं, मुझे आंसू आ गया देखकर। अरे यार आदमी जब बीमार होता है ना तो सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत होती है। ठीक है, ब्रजेश कुमार जी गेट वेल सुन, रविशंकर उपाध्याय महादेव कृपा बनी रहे आप पर। ठीक है, मैं भी बिल्कुल सही बात है। तो प्लीज अगर आपके घर में कोरोना किसी को होता है तो उसे अकेला मत छोड़े, आप लोग उससे बातचीत जरूर करें। लेकिन मेरे आंख में आंसू आ गया, इसलिए उस आदमी को मैंने देखा तो मुझे रहा नहीं गया, वो बेचारा तड़प रहा था और उससे कोई बात नहीं कर रहा था, उससे कोई बात नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ऐसा ना करें आप लोग, अगर कोई बीमार है उससे बात करें, उसको संतावना दे, ठीक हो जाओगे। उसे अकेला ना छोड़े, बस यही कहना चाहूंगा आप लोगों से। बहुत दर्द होता है ना, हम लोग समाज में काम करते हैं, जब अपने ही अपनों से बात नहीं करते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, इसीलिए कोई बीमार हो रहा है, कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, तो उससे कम से कम पास से बात नहीं कर सकते हो, फोन पे बात जरूर कर लो। मेरे को अभी 15 दिन लगेंगे, ठीक हो जाऊंगा मैं, तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, थोड़ा भावुक हो गया था उस आदमी को देख के कि उसके अपने घर वाले ही उससे बात नहीं कर रहे थे, उसको क्वारंटाइन कराकर चले गए सब घर। ठीक है, तो ऐसा नहीं करें आप। हर हर महादेव गेटवेल सुन तिवारी जी, सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसीलिए मैंने कहा आप लोगों से ना कि अभी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, ठीक है ना, और इसमें हम सबको, मैं तुमको रोज बात करूंगा मेरे साथ सब लोग हैं घर में, मम्मी पापा सब लोग हैं, मेरे कोई अकेले छोड़ के नहीं भागा है, मैं मेरे साथ सब लोग हैं, मेरे दोस्त मित्र घर में मम्मी पापा सब लोग हैं मेरे साथ। लेकिन वो केस जो मैंने देखा ना, देखिए अपना ही दुख अपना दुख नहीं होता है ना, कि हम अपने दुख में है तो हमारा दुख दुख है और दूसरे का दुख दुख नहीं है, तो हम अपने लिए स्वार्थी कैसे हो सकते हैं बताइए। तो ये तो मेरा दुख है, तो मेरे दुख में तो मेरे घर वाले साथ है, मम्मी पापा भाई सब लोग साथ है। ठीक है,
लेकिन दूसरे का दुख देख के भी ना सीना जो है ना दर्द से भर जाता है। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा था कि कभी भी अगर आसपास आपके दोस्तों को भी इस तरह की चीजें हो जा रही हैं, तो उसका साथ मत छोड़े आप लोग। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मेरे साथ सब लोग हैं, मेरे कौन छोड़ के जाएगा। मेरे साथ आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोगों का प्यार है, टिंकू जी गेट वेल सून भैया, तो मैं अकेला नहीं हूं, आई एम नॉट फीलिंग अलोन। मैं बता रहा हूं, केसेस देखने के बाद मेरे आंख में आंसू आ रहे थे। ठीक है, मैं तो खुश हूं कि मेरे साथ मेरा सारा परिवार मेरे साथ खड़ा है, एकजुट है, आप लोग खड़े हैं। लेकिन कुछ गधे ऐसे हैं जो अपने बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, कोरोना होने पे मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। उन गधों की बात कर रहा हूं मैं, उन गधों की, कि उसके घर में किसी को कोरोना हो गया है उससे बात करना छोड़ दे रहा है लोग। उन गधों से मैं उन गधों को कह रहा हूं। ठीक है, अरे कोरोना कोई भूत नहीं है कि तुम्हें खा जाएगा। 14 दिन क्वारंटाइन हो गए, ठीक हो जाओगे, दवाई खाओगे, काढ़ा पियोगे, ठीक हो जाओगे। लेकिन तुम उसको मरने के लिए ट्रीटमेंट छोड़ दोगे, उससे बात नहीं करोगे, ये कौन सा होता है? बेचारा अकेले टूट जाए, उसको ढाढ़स नहीं बताओगे? तो मेरे साथ सब है, लेकिन जो मैंने कल परसों देखा मैं उस पर रो रहा था। कोरोना का टेस्ट आ गया पॉजिटिव, अरे बुबो अरे बुबो, इसको इससे छोड़ के भागो। क्या रे बाबा, छोड़ के भागो? आशीष देव उपाध्याय बड़े भैया नमस्कार भैया। तो मेरे साथ तो सब है, लेकिन देखिए मुझे मुझे अपना दुख सिर्फ नहीं दिखता है, मुझे सिर्फ अपना, मैं अपने लिए नहीं जीता हूं सिर्फ अपने लिए, कि मेरा दुख दुख है और बाकी दुनिया का दुख दुख नहीं है। मेरा दुख दुख है, लेकिन मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए भी जो समाज में रहते हैं उनका दुख भी मेरे लिए बहुत बड़ा दुख है। उनको दुखी देखता हूं तो मेरा सीने में दर्द होने लगता है, कैसे लोग हैं, कैसे परिवार के लोग हैं उसके। तुम हमारे परिवार के हैं, रोटी बैंकों के परिवार हैं, रश्मि अग्रवाल दीदी गेट वेल सून। तो इस बात का दुख होता है यहाँ, इंसान कहता है कि मैं इंसान हूं, अरे मर गया इंसानियत सारा। जब अपनों के लिए तुम खड़े नहीं होते हो, मर गया इंसानियत वहीं, कि जिस दिन तुम्हारे अपना कोई बीमार पड़ता है उसके लिए खड़ा नहीं होते, उससे 2 घंटा बात करने का समय नहीं रहता है, मर गया इंसानियत उस दिन। साला आदमी बेड पे पड़ा रहता है, घर परिवार को चाहिए कि उससे 2 घंटा 1 घंटा बात करे, उससे जाने बाबू कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा तकलीफ लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या खाओगे, क्या पियोगे, बताओ। तो आदमी समझ में नहीं आता है, उस चीज को देख कर रोना आता है हमें। हम लोग ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल में गए, खाना बांटते थे, सबसे दर्द जानते थे, पूछते थे क्या हुआ है मरीज को, चाची रो वह ठीक हो जाएगा, उतने में वो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी। भैया जी आप इतनी टेंशन ना लीजिए, प्लीज आप अभी अपना ध्यान रखिए, रश्मि संदीप गुप्ता जी, थैंक यू दीदी। तो हम लोग हमेशा अस्पतालों में आप देखते हैं कि मैं पूछता हूँ कोई भी मरीज, मम्मा के रोने लगती है, क्यों रोती हो मम्मा मेरे पास? क्योंकि उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको ढाढ़स बंधाने वाला कोई नहीं है, तब आके वो रोती है कि बाबू हमारे लड़का का हाई हो गया है ना बचियन। तो हम लोग ढाढ़स बंधाते हैं कि नहीं नहीं अम्मा, महादेव का प्रसाद खिलाइए, ठीक हो जाएगा आपका लड़का। ये दुनिया क्या हो गई है बताइए। अस्पतालों में आप लोग जब भी मेरा लाइव देखते होंगे तो अम्मा जी, बाबू जी, चाचा जी कह के हम लोग बात करते हैं, पूछते हैं भैया का भइल बा, वो बाबा का भइल बा, उससे उनके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी आ जाती है कि रोज ये गाड़ी वाला रोटी बैंक वाला आता है तो हम लोग से हालचाल भी पूछता है और प्रसाद भी देके जाता है। उससे हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग डॉक्टर हो जाते हैं। डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी गेट वेल सुन लिया है, बताइए, महादेव की कृपा बनी रहे भैया। तो हम लोग डॉक्टर तो थोड़ी नहीं हो जाते हैं, डॉक्टर नहीं हो जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा संतावना मिल जाता है ना है? तो मैं वही बात कह रहा था कि अगर आप कोई बीमार होता है, अब उसके दोस्त हो, मित्र हो, उसको कोरोना हो गया हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, अब उसे अकेला मत छोड़ो यार,
कम से कम एक घंटा आधा घंटा फोन करके बात तो कर लो उससे, ताकि उसे हिम्मत लगे कि नहीं मैं अकेला नहीं हूँ। फोनवा पे भी कोरोना धर लेगा क्या? फोनवा पे कोरोना धर लेगा? अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं व्हाट्सएप लाइव हुआ में, तो कोरोना धर लेगा क्या आप लोग को? टाइफाइड हो जाएगा आप लोग को? नहीं होगा है? नहीं होगा जी। किसी तरह से इंसान को प्यार का भूखा होता है इंसान यार, सिर्फ अपना दुख को दुख समझोगे तो दुनिया कैसे चलेगी? महादेव आप पर अपनी कृपा बन बरसाए, बताइए आप लोग, सिर्फ दुनिया अपने अपने बारे में सोचेगी? बताइए 24 मार्च का लॉकडाउन लगा, अस्पताल में कोई खाना भाट नहीं जाता था डर के मारे कि कोरोना पकड़ लेगा, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत जुटाया, पूरे बनारस के अस्पतालों में खाना पहुंचाया पूरे। हम लोग को डर नहीं सता रहा था कि कोरोना हो जाएगा। महादेव सब ठीक करेंगे भैया, हर काली रात के पद उजाला होता है, बताइए। तो प्लीज मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का हमदर्द बनिए, इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का हमदर्द बनना बहुत जरूरी है। अगर आप हमदर्द नहीं बनेंगे तो आपके लिए कोई भी हमदर्द नहीं बनेगा। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करता हूँ, इस दुख की घड़ी में हर इंसान के लिए आप हमदर्द बनिए। तुमने कितने लोगों को खाना खिलाया, ये तो सच सबका आशीर्वाद है, ठीक है? तो आप लोग दुख के घड़ी में इस कोरोना काल में एक दूसरे का हमदर्द बनिए, साथी बनिए, उसको हिम्मत दीजिए, उसको जिंदगी जीने का एक एहसास दिलाइए कि तुम जियो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा प्यार, हमारा ब्लेसिंग, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये चीजें अभी बहुत जरूरी है, इन सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। किसी को अकेला मत छोड़ दीजिए, बस यही कहना था मुझे। मैं अभी टाइफाइड से ग्रसित हूँ। गेट वेल सुन भैया जी, आप परेशान बतोइए, आप जल्द ठीक होंगे, महादेव साथ हैं आपके, हम सबके। मोहित कुमार श्रीवास्तव जी, बिल्कुल भैया मैं 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा, घर के आगे जीत है, बिल्कुल बिल्कुल। रविशंकर जी, तो आप लोगों से मैं यही कहना चाह रहा था, और मैं आप लोगों से बीच बीच में लाइव के माध्यम से ही आ पाऊंगा, और आप लोग परेशान ना होइए। गेट वेल सुन भाई, काजल कुमार जी, मैं आप लोग के बीच लाइव लाइव में आपके ढा के देता रहूंगा अपने स्वास्थ्य के बारे में। घर पे मिलने नहीं आइएगा हमारे, आप लोग, आप कितने लोगों के साथ खड़े रहते, भगवान आपका साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रवीण पटेल जी। तो मैं मेरे घर नहीं आइएगा आप लोग, जो लोग मेरा घर जानते हैं, मेरे घर नहीं आइएगा हम लोग, क्योंकि अभी मुझे टाइफाइड है, तो मैं ठीक हो जाऊंगा पूर्ण तक, तो फिर हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे। और इससे पहले हम लोग सोशल मीडिया, क्योंकि कब से रूम में पड़े पड़े चला फिरा जा नहीं रहा है, बहुत कमजोरी हो गई है, समझ रहे हैं, 5 मिनट चलने पर लग रहा है कि बेहोश हो जाऊंगा, इतनी स्थिति दयनीय हो गई है। आप लोगों को पता ही है, टाइफाइड कभी हुआ होगा तो टाइफाइड का बुखार इतना कड़क होता है, शरीर को तोड़ देता है, और टाइफाइड जो है ना एकदम से निचोड़ दिया है मुझे, टाइफाइड जो है निचोड़ दिया है मुझे एकदम से। अब कुछ पहले से आराम है भैया जी ना? हाँ काजल जी, काजल कुमार जी, अभी 40% ठीक हुआ हूँ मैं, ठीक है, नाश्ता हो गई। हाँ काढ़ा भैया, सुबह सुबह काढ़ा पीले में नहीं हो, एक थे छेना खैनी है, छेना के रसगुल्ला खाए के मनवा मुहवा ठीक हो गई बा, ठीक ना? मुहवा जंत रहा ना, 10 दिन से भैया बुखार आवत था तो मुहवा तीता तीता हो गई बा एकदम से, तो खाए के मन नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके खाने, 2-2 घंटा पर, 3-3 घंटा पर थोड़ा थोड़ा चीज, इससे अभी सुबेरे सुबेरे तू पी ली, हाँ काढ़ा पी लेनी, हाँ, और ओकरा बाद थोड़ा सा छेना के रसगुल्ला खा लेनी, हाँ, और ओकरा बाद दवाई खैनी, हाँ, ओकरा बाद रुआ सबके बीच लाई बहनी, हाँ, भगवान आपको जल्द स्वस्थ करे। मस्त, और अभय शुक्ला लिखा था मस्त रह गुरु, निमन हो जीव, तो यही सब, और 2 गो रोटी दोपहरिया में खा ले मैंने। दो रोटी रात में खा ले मैंने। सबकी दुआएं आपके साथ है, आप बहुत जल्द ठीक हो भाई साहब जी। टाइफाइड बल तोड़ देता है, पूरा बल तोड़ दिया है भाई साहब,
गेटवेल सुन तिवारी जी यार शुभम कुमार जी पूरा बल तोड़ देता है टाइफाइड, ऐसा भगवान टाइफाइड किसी को न दे। ना ना एकदम ठीक नहीं लगा रवि भैया, टाइफाइड ना भगवान कोई के ना देवे भाई। बाप रे बाप, जीवन में पहला बार टाइफाइड भाई बा, जीवन में ये 5 साल में पहला बार बीमार पड़ल बनी, इतना भयंकर जान लो जा। अब भगवान टाइफाइड कोई के मत दे, इतना टाइफाइड बाप रे बाप, हम ना सोच ले रहे कि टाइफाइड ऐसा बीमारी होकेला, एकदम शरीर ये टूट दिले बा, जैसे हिम्मत नहीं थे वो तो हमारा के 5 मिनट टहला दा हम बेहोश हो जाये, इतना हमारा के टूट दिले टाइफाइड। 5 मिनट कह दक हम सब कह दीजिए कि खड़े हो जाओ, गिर जाऊंगा मैं, ताकत ही नहीं। महादेव की कृपा है आप पर। गेट वेल सुन विकास जसवाल जी या शुभम कुमार जी नमस्कार। चौमप्रास भी खाइए, हाँ हाँ लाइल बनी शहद, लाइल बनी देसी शहद, शहद भी ले रहा बनी, होते ही फोन करूंगा। देसी शहद भी लाइल बनी खरीद के, देसी शहद भी राठी के सूतक समय 2 चम्मच खा ले बनी, गलबा के थोड़ा तर रखे खातिर मैं जी। गेट वेल सुन तो बड़ी टूट गई बनी हम, बुझा था ना, और 10 दिन से बुखार आवत 103 डिग्री, अब सोचा 10 दिन से 103 डिग्री बुखार में तप रहे हैं, का हालत हुआ होगा शरीर का, पर खाली यही चला पैरासीटामोल 1000 mg 650 mg टेबलेट, असर नहीं कर रहा था भैया। अब नॉर्मल थोड़ा टेम्परेचर हो गया है, अब 99 समथिंग है टेम्परेचर मेरा भी भैया। आप जल्द स्वस्थ हो बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना, सब आपके साथ पहला कोई मदद हो बताइएगा। बिल्कुल सिराज बांडे छोटा भाई न, धन्यवाद। अभिषेक यादव जी महादेव सब ठीक करेंगे भाई, तो वही 10 दिन से जो फीवर है, भगवान आपको अति शीघ्र स्वस्थ करें। और नीतीश सिंह जी महादेव की कृपा है आप पर, बहुत बहुत धन्यवाद दिया, तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। निकू चलो कुछ नहीं, मुझे सुर से बुला दो आशीष को, तो मैं यही कह रहा था आप लोगों से कि अभी मैं थोड़ा फ्रेश फ्रेश होने जाऊंगा, अभी वॉशरूम जाऊंगा, फ्रेश होऊंगा थोड़ा सब, हाँ ठीक हो जाऊं मैं भी ठीक है। और आप लोगों से भी बस यही विशेष आग्रह है कि प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिए, और प्लीज काम हो तो घर से बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करिए, और मास्क जरूर लगा लीजिए, सैनिटाइजर जेब में लेके चलिए, ठीक है। महादेव की कृपा बनी रहे, तो आप लोगों से मैं बार बार यही निहोरा करता हूं कि देखिए मैं सिर्फ अपने लिए जिंदगी नहीं जीता हूं, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि जिंदगी सबके लिए जीता हूं, और आप सब हमारे भाई हैं, आप सभी हमारे लोग हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि बस आप लोग भी स्वस्थ रहते हैं तो आप लोग भी मुस्कुराते हैं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, आप लोग की मुस्कुराहट से मेरी जिंदगी चलती है, मेरी सांसें चलती है, ठीक है। तो आप लोग भी सदा मुस्कुराते रहिए ताकि मेरी सांसें चलती रहे, ठीक है। महादेव की कृपा है भैया आप पे, दिनेश तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, तो आप लोग की कृपा से, आप लोग की मुस्कुराहट से मेरी सांसें भी और मेरी मुस्कुराहट भी बनी रहे, मैं यही कहना चाहूंगा, और जल्द ही मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, और आप लोग के बीच फिर उसी रफ्तार में जो रोटी बैंक का झंडा लहराते हुए हर हर महादेव के नारे के साथ गूंजता हुआ किशोर तिवारी निकलता है वही नजर आएगा। बस 10-15 दिन की और बात है, बस 10-15 दिन में मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रभु आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। अरुण सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, तो आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद, और आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। उदय SP जी क्या हुआ आपको? मुझे टाइफाइड हो गया है सर, ठीक है 10 दिन से। तो अरुण सिंह जी हर हर महादेव, बिल्कुल भैया हर हर महादेव है, तो मैंने सोचा कि काफी दिन हो गया था आप लोगों से गुप्तगु किए, मिलने तो आ नहीं सका, नहीं नहीं मैं घर पे हूँ मारू भाई, अपने घर पे ही हूँ, ठीक है घर पे हूँ अभी, ठीक है हॉस्पिटल में अभी नहीं हूँ, घर पे हूँ, और आप लोगों से बस यही निवेदन है, हर चेहरे की मुस्कान हो आप, क्या बात है। रविशंकर भैया बहुत बहुत धन्यवाद,
आप लोग मेरे चेहरे की मुस्कान बनो, हम आपके चेहरे की मुस्कान बनते हैं। आप मुझे जीने का सहारा दो। और तो धर्मेंद्र पटेल जी महादेव, तो ब्राह्मण देवेंद्र कुमार पांडे बड़े भैया जी, बस थोड़ा बार हो गया हूँ भाई साहब, वो तो होते रहता है। वासुदेव भट्ट जी, जल्दी स्वास्थ्य लाभ होगा, जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो। तेजस्वी शुक्ला जी, और सभी लोग को मैं आज बात कर लेता हूँ, फिर दो दिन के बाद मैं आप लोग के बीच लाइव आऊंगा। आज जितना दिल खोल के बात करना है कर लीजिए आप लोग, फिर दो दिन के बाद फिर मैं लाइव आऊंगा। हर हर महादेव, जल्दी ठीक हो जाइए। बंद हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो आप लोगों से बस यही, आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और प्रवीण पटेल जी, तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। मुझे आज काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, इतने दिन के बाद आप लोग जुड़े और मुझे काफी खुशी मिलती है आप लोगों से बात करके। और अभी तो मिलना जुलना बंद है, तो भैया आप मुस्कुराते रहिए, आप पर मुस्कान अच्छी लगती है। ठीक है, दड़ी दड़िया बढ़िया कटवाई ली, हम सोचते ना हो बलवा कटवाई ली, थोड़ा और अच्छा मुस्कान लागे लागी, ठीक न। तो चलिए लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इसके लिए। और जल्दी स्वस्थ होकर आप लोग के बीच लौटूंगा। तेजस्वी शुक्ला जी, हर हर महादेव। सरस सिंह जी, जल्दी ठीक हो जाओगे भैया, भगवान आपके साथ है। जय सियाराम, जय जय सियाराम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आपकी खुशी हमारे बनारस की खुशी है, क्या बात है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, हर हर महादेव भैया। अंदर ही चला था, तो आप लोग जुड़े और फोन पे बातचीत हो सकती है। घर मेरे ना आने की कोशिश करें आप लोग, कुछ लोग मेरा घर जानते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बजरंग बली आपके साथ है, ठीक है ना। तो घर जो मेरा घर जान रहे हैं, तो कृपया मेरे घर आने की कोशिश मत करें आप लोग, क्योंकि अभी संक्रमण फैला हुआ है पूरे समाज में। तो फोन पे बातचीत हो सकती है, अभी भी आप लोग फोन करेंगे हाल समाचार के लिए बात हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग और एक दूसरे से संपर्क। जरूरी है बचना। संतोष सिंह जी, हर हर महादेव। तो चलिए मैं भी अब आप लोग उसको नमस्कार करूंगा, और जाते जाते बस यही कहूंगा भाइयों कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, काम हो तो एक हफ्ता सप्ताह का सामान घर में खरीद के रख लें, बार बार घर से बाहर न जाएं, बच्चों को कतई बाहर न जाने दें, ठीक है। खुद स्वस्थ रहें, बच्चों को भी स्वस्थ रखें, माँ बाप को भी स्वस्थ रखें। और कोरोना से जीत न है जंग, तो सावधानी बरतनी है, नहीं तो आने वाले दिन में स्थिति बहुत भयानक होने वाली है। गुड मॉर्निंग किशोर भाई, शंभू मंडल भैया, प्रीति सिंह जी, गेटवे सुन भाई। तो भवाय और भयंकर स्थिति होने वाली है कोरोना को लेकर। कैसे अभी ठीक हूँ भैया, 40% ठीक हो चुका हूँ, 60% और आप लोग की दुआ मिलती रहे तो 60% और दुआ मेरे लिए कर दीजिए आप लोग, 60% तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग की दुआ से 40% टनटनाटन टनटा हो गया है, और आप लोग और थोड़ा सा दुआ कर दीजिएगा तो 60% भी मैं ठीक हो जाऊंगा। तो अभी 40% मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है और फीलिंग गुड, तभी मैं आप लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ, ठीक है। मुंह सूखने लगते हैं तब कभी कभी, क्योंकि टाइफाइड के बुखार में मुंह सूखने लगता है। भैया जल्दी ठीक हो जाओगे, आप आराम करें भैया। तो और आप लोग 60% दुआ कर दीजिए मेरे लिए तो मैं चंगा हो जाऊंगा, ठीक है। और एक दो दिन के बीच बीच में मैं आप लोगों से रूबरू, राज खर जी, गेट वेल सुन ब्रदर, तो आप लोगों से रूबरू होता रहूंगा दो दो दिनों पे। और बुलेटिन अपने परिवार फाउंडेशन एनजीओ भोलेनाथ आपको जल्द ठीक करके, तो गेट वेल सुन भाई, धीरज तिवारी जी, तो सभी को। भैया आप खुद ही भगवान का स्वरूप है, आपको दुआ की जरूरत नहीं है। दूसरा, लहर बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ सही बात है शंभू मंडल भैया। सूरज बुधिया जी, महादेव दादा, सरस सिंह जी, भैया हम सब एप्पल आपके साथ हैं, चिंता मत करिए, आप जल्द ही
स्वस्थ हो जाएंगे। हितेश सर्वेशन बंटी जी, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि आप लोग मेरे साथ, कितना अच्छा लग रहा है कि मैं बीमार भी हूँ और आप लोगों से बातचीत भी हो गई, आप लोगों का दुआ भी मिल गया मुझे और मेरे चेहरे पर देखिए मुस्कुराहट आ गई बड़ी वाली। दिख रहे ना, ये जिंदगी जीने का एक वसूल है। जिंदगी आदमी ये सोचता है कि मैं बीमार हो गया हूँ तो कैसे मैं लोगों से कनेक्ट हूँ, तो सोशल मीडिया वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है लोगों से कनेक्ट होने का। जरूर हम सब आपकी दुआ आपके साथ है बिल्कुल भाई शंभू मंडल भैया, और रोज एक बार लाइव आइए। ये रोज नहीं आ पाऊंगा, मेरे में इतना ताकत नहीं है, दो दिन पे लाइव आऊंगा मैं। इतना ताकत मेरे में नहीं है कि मैं रोज लाइव आऊंगा। देख नहीं रहा लेट कर लाइव बना रहा हूँ, सोया हुआ हूँ बेड पे लाइव बता रहा हूँ, तो इतनी ताकत नहीं है कि रोज लाइव आऊंगा। ठीक है, एक दो दिन पे आऊंगा। और वैभव त्रिपाठी जी, गेटवेल सिंह भैया जी, आपके साथ हर गरीब आदमी की दुआ है। सभी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, और आप जल्दी सही हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद खान भाई, गुलशन जी। देखिए सब आदमी कहता है कि दुआ दुआ सबका है। देखो हम लोग ऐसा काम करते हैं ना कि हर हर धर्म के लोगों का दुआ हमारे साथ मिलता है, इसी बात की तो खुशी मिलती है। जय श्री राम, आप जल्दी ठीक हो जाइए, ईश्वर से ही प्रार्थना है। अनुपम गौतम जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, तह दिल से किशोर तिवारी करता है। बस हमारे लिए थोड़ा दुआ करिए कि हम 60% और ठीक हो जाए। टेक केयर, वी नीड यू। ओके समूह मंडल भैया, क्या है कि आप लोग बहुत प्यार करते हैं, तो बस यही कहूंगा जाते जाते कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर रहिए। अल्लाह पाक सिफात रस दे भाई को। सदाम जी बहुत बहुत धन्यवाद दिया सदाम जी, ठीक है। तो आप लोगों से बस यही निवेदन कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं। थोड़ा तबीयत खराब हो गया है दिनेश भाई, ठीक है, टाइफाइड हो गया है, उसी के लिए थोड़ा बुखार तेज आ रहा था। अरे भाई आपको क्या हो गया, हम सब की दुआ भैया आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं भी चलूं। वरुण आराम करिए भैया, हर हर महादेव, क्या हुआ। तो चलिए मैं भी आराम करूं, बहुत अच्छा गरीबों का पेट भरते, आपको कुछ नहीं होगा। सुनील चौहान जी, गेटवे सुन, मेरे लिए भी गर्म पानी दिया हो, मेरा डिब्बा खत्म हो गया है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। और जल्दी सही हो जाओगे भाई, बिल्कुल कल से ताकत आ जाएगी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही तो चाह रहा हूँ कि कल से ताकत आ जाए मेरे अंदर, कि हम भी कल से दौड़ने लगे सड़कों पर, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और जल्दी ठीक हो जाइए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाऊंगा मैं, आप लोग का दुआ है। श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना, हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024159599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग, यादव धर्म, कांटा के पीछे, उतैरी, सतना, मध्य प्रदेश।